नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं अक्सर अपने वीडियो में बात करता हूँ सीरीज बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, ये सीरीज बोर्ड होता क्या है और इसके कितने उपयोग होते हैं, और आज सीरीज बोर्ड का मैं आपको एक छोटा रूप बना के बताऊँगा, जिससे कि आप भी अपने घर में एक छोटा सा सीरीज बोर्ड बना के रख सकते हैं। एक्चुअली में ये सीरीज लीड रहेगी। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? दोस्तों, इसके लिए हमें एक 3 मीटर वायर की ज़रूरत होगी, जो कि 1 mm मल्टी वायर है। जैसे हम बोलते हैं मल्टी वायर बोलते हैं, जैसे हम 1 mm का वायर है। इसके लिए हमें एक टूप एंड टॉप की ज़रूरत है, और एक होल्डर की ज़रूरत है, और एक इस तरीके के बल्ब की ज़रूरत है, जो कि 100 वाट या 60 वाट का भी चल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। दोस्तों, मैंने 2.5 मीटर लिया है अपने हिसाब से। आप 2.5 मीटर ले सकते हैं, या फिर आप 3 मीटर भी ले सकते हैं। ये सिंगल में 3 है, हम इसे अब डबल करके हमें इस तरीके से आप इसे काट लीजिए। और काटने के बाद सबसे पहले आप इसे टू पिन टॉप में लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये बिल्कुल ही कंप्लीट है। अब इसे आपको सबसे पहले एक बार टेस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको होल्डर में बल्ब को लगाना है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो चालू है। अब हम इसमें सीरीज़ का कनेक्शन कैसे करेंगे, मतलब सीरीज़ हमें बनाना कैसे है? जिस तरीके से हम देखिए, मेरे पास ये वाला बोर्ड है, ये वाला सेक्शन इसका सीरीज बोर्ड का है, ये वाला इसका डायरेक्ट वाला कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ, ये सीरीज बोर्ड हो गया। मैं इससे काफ़ी अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से सीरीज को बनाना है। तो देखिए, ये आपका हो गया। तो फ्रेंड्स, आप बीचों बीच कोई भी दो वायर में से, इन दोनों वायर में से किन्हीं बीचों बीच आप एक वायर को इस तरीके से काट लेंगे, और आपको हल्का हल्का से यहाँ से आप उसको वायर कटर की सहायता से छील लेना है। जब आप वायर कटर की सहायता से आपने छील लेंगे, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और करने के बाद आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट में लगाइए, और लगाने के बाद देखिए आप, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका सीरीज़ बन चुका है। ये देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है सीरीज़ लीड बनाने का, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मेरे पास ये लीड है,
कुछ ऐसे चेक करना है कि हो सकता है यहाँ से ख़राब तो नहीं है ये, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, आपको एक पॉइंट यहाँ लगाना, एक पॉइंट यहाँ लगाना, ये चल गया। और दूसरा पॉइंट चेक कर, देखिए कोई शॉर्टेज नहीं है। हो सकता है कभी कभी अपन टूटन को इस तरीके से लगा देते, हो सकता है कि अंदर वाला पॉइंट इस पॉइंट से टच हो, तो चेक करने का बहुत ही शानदार तरीका, आप इस तरीके से चेक कर, ये पॉइंट सही है, ये बिल्कुल टच नहीं है, इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट में लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये चालू है, ये नहीं है शॉर्ट। मतलब इस तरीके से हम लीड को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी उपकरण को, किसी भी तरह की लीड को हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।